हेलो एवरीवन यह है लर्न कोर जावा वीडियो सीरीज यह वीडियो सीरीज उनके लिए है जो कंप्लीट कोर जावा सीखना चाहते हैं यह इस वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 50 है इस वीडियो में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर एक्सेप्शन क्या होते हैं यह समझेंगे सो वेरी फर्स्ट वी वुड लाइक टू डिस्कस एक्सेप्शन सो द एक्सेप्शन कैन बी डिफाइंड इन दिस वे

रन टाइम एरर भी कहा जाता है ऐसा इसीलिए क्योंकि एक्सेप्शन रन टाइम पे जनरेट होते हैं या एक्सेप्शन को हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं नाउ लेटेस्ट डिस्कस द एक्सेप्शन यूजिंग वन प्रोग्राम फॉर दैट परपज आई क्रिएटेड वन प्रोग्राम हियर और उसके लिए हमने डेमो नाम से क्लास बनाया है जिसमें हमने मेन मेथड बनाया और मेन मेथड के अंदर वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है एसओपी के अंदर स्टार्टेड आर्ग्यूमेंट दिया ताकि स्टार्टेड प्रिंट हो जाए नेक्स्ट इंट टाइप का एक वेरिएबल आई इनिशलाइज किया 12 से एंड वेरिएबल जे इनिशलाइज किया 4 वैल्यू से नेक्स्ट स्टेप में मैंने आई को जे से डिवाइड करके उसकी वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए लिखा हुआ है इंट के इक्वल

रन भी होगा और जो आउटपुट है वह जनरेट हो जाएगा नाउ इसी प्रोग्राम में हम एक छोटा सा चेंज करते हैं यहाँ पे मैंने जे की वैल्यू को चेंज करके जीरो कर दिया सो नाउ जे इज जीरो अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें यह जो हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है आई डिवाइडेड बाय जे तो यहाँ सिचुएशन हो जाएगी ट्वेल्व डिवाइडेड बाई जीरो और मैथ्स के अंदर अ नंबर डिवाइडेड बाई जीरो नंबर होता ही नहीं है यानी मैथ्स में जो नंबर सिस्टम है उस नंबर सिस्टम में एनी नंबर डिवाइडेड बाई जीरो नहीं है इसलिए इस सिचुएशन को मैथ्स में बोला जाता है नॉट डिफाइंड ऐसा हो ही नहीं सकता यह मैथ्स के नंबर सिस्टम में एक एक्सेप्शनल कंडीशन है एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता सेम सिंस इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जा सकता तो जो हमारा सिस्टम है वह भी अ नंबर डिवाइडेड बाय जीरो नहीं कर सकता तो यहाँ पे एक तरीके से एक एक्सेप्शनल कंडीशन जनरेट हुई इस कंडीशन को मशीन भी फुलफिल नहीं कर सकता तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वह इस एक्सेप्शनल कंडीशन के कारण टर्मिनेट हो जाएगा यानी रन टाइम पे यहाँ पे एक ऐसा इवेंट जनरेट हुआ एक ऐसी एक्सेप्शनल कंडीशन जनरेट हुई, जिसकी वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जा सकता एंड दिस इज द सिचुएशन विच इज नोन एज एक्सेप्शन ओके तो जैसा मैंने कहा है कि जब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल तो हो जाएगा बट जब हम इसको रन करेंगे सो so रन करने पर स्टार्टेड लिखा हुआ आ जाएगा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया उसके बाद में i इक्वल ट्वेल्व यह भी हो जाएगा मतलब वेरिएबल क्रिएट होके उसमें ट्वेल्व वैल्यू स्टोर हो जाएगी j इक्वल जीरो भी चल जाएगा j के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और उसमें जीरो स्टोर हो जाएगा बट जब जावा यहाँ पे i डिवाइडेड बाई j करेगा यानी ट्वेल्व डिवाइडेड बाई जीरो करेगा सो ये पॉसिबल नहीं है यह है एक एक्सेप्शनल कंडीशन है एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता सो so, इस एक्सेप्शनल कंडीशन की वजह से यहाँ पे प्रोग्राम टर्मिनेट होगा उसको कंसेप्चुअली मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा कि यह जो एक्सेप्शनल कंडीशन है डिवाइड बाई जीरो रिप्रेजेंट करता है एक क्लास के ऑब्जेक्ट से और वो क्लास है अर्थमेटिक एक्सेप्शन सो अर्थोमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जावा जनरेट करेगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा सो so, दैट्स पे आप देख सकते हैं आउटपुट में क्या लिखा हुआ है एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट आर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो यानी डिवाइड बाय जीरो वाली कंडीशन यहां पे जनरेट हुई इसी कंडीशन की वजह से जावा ने आर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की इनबिल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जनरेट किया और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया देखो इसके आगे फिनिश्ड लिखा हुआ नहीं आया यानी yani यही डिवाइड बाय 0 वाली लाइन पे ही प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया एंड दिस इज द इवेंट और दिस इज द सिचुएशन एक्सेप्शन एक्सेप्शन इसी को कहा जाता है नाउ यहाँ पे एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा ताकि हम एक्सेप्शन के जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको समझ सकेंगे यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या हो सकता है वह समझेंगे सो so, यहाँ पे ध्यान रखना कि एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है ओके नाव लेटेस्ट मोहड एज आई टोल्ड यू कि जो एक्सेप्शनल कंडीशन होती है जो एबनॉर्मल कंडीशन होती है उनकी वजह से प्रोग्राम टर्मिनेट होता है और प्रोग्राम टर्मिनेट होता है कैसे उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने वाले ऑब्जेक्ट की वजह से सो so, ये जो एबनॉर्मल कंडीशन है ये जो एक्सेप्शनल कंडीशन है ये बहुत सी होती है सिर्फ डिवाइड बाई जीरो ही कोई एक्सेप्शनल कंडीशन नहीं है सो so, बहुत सारी एक्सेप्शनल कंडीशन है और उन एक्सेप्शनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जामा ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस प्रोवाइड की है जिनको हम बोलते हैं एक्सेप्शन क्लास मैं इस बात को फिर से रिपीट करना चाहूंगा देर आर मेनी एक्सेप्शनल कंडीशंस बिकॉज ऑफ दैट प्रोग्राम में बी टर्मिनेटेड और इन एक्सेप्शनल कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा ने कुछ क्लासेस प्रोवाइड की है उन क्लासेस को बोला जाता है एक्सेप्शन क्लास फॉर एग्जाम्पल यह पहली कंडीशन तो हम देख ही चुके हैं जो कि है डिवाइड बाय बाय डिवाइड वाली कंडीशन को जावा रिप्रेजेंट करता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन क्लास से वैसी एक है कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर यानी जब हम स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करते हैं पार्स करते हैं इसको पार्सिंग भी बोला जाता है सो so, इस सिचुएशन में यदि कन्वर्जन नहीं हो पाया तो फिर एक एक्सेप्शन जनरेट होता है दैट इज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन नेक्स्ट है यूजिंग एन इंडेक्स विच इज नॉट इन द अरे यानी अरे के अंदर जो इंडेक्स नहीं है उस इंडेक्स को यदि हमने प्रोग्राम में यूज किया सो so ऑब्वियसली फिर प्रोग्राम टर्मिनेट होगा जावा इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता ऑटोमेटिकली सो so इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को जावा रिप्रेजेंट करता है अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन से सेम वन मोर कंडीशन इज रिटर्न ओवर हियर यदि किसी मेथड को कॉल करने के लिए या किसी वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए आप एक ऐसे रेफरेंस को यूज करते हो जो नल है यानी जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है रेफर नहीं कर रहा है उसमें नल स्टोर है या यूं कहें कि इस सिचुएशन को जावा रिप्रेजेंट करता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन से यहां पे मैंने कुछ एक्सेप्शन क्लासेस और

अन्य वीडियोस को भी देखें और यदि कोर जावा से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो